नमस्कार मैं ज्योतिदीप बैस आपको स्वागत जानसो कट्टर हिंदुत्वी नेता प्रवीण भाई तुगारिया धारावाहिकभवे पीछे आनटक वितर्कित मंत्य कर प्रवीण भाई तुगारियार तरफ क्या देश में जनसंख्या नियंत्रण आईन आनी मुसलमान जनसंख्या नियंत्रण कर डंके की चोट पर राम मंदिर बनाया है, ऐसे जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाकर मुसलमानों की जनसंख्या हम नियंत्रण करवाएंगे ही। हिंदू विकास चाहता है, समृद्धि चाहता है, अच्छी शिक्षा चाहता है। जनसंख्या बढ़ेगी तो यह सब कम होगी, गरीबी बढ़ेगी, शिक्षा कम होगी, रोजगार कम होगा। तो हिंदुओं ने समझकर जनसंख्या नियंत्रण किया है। उनका अर्थ यह नहीं कि हम बच्चे नहीं पैदा कर सकते। आज भी 15-20 बच्चे पैदा करने की क्षमता वाले सभी हिंदू हैं। हमने देश हित में यह किया है। मुसलमान मान नहीं रहा है तो कानून बनाओ, जो मैंने कहा जनसंख्या नियंत्रण का। और कानून बनने के बाद 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे उनको सरकारी अन्न नहीं, सरकारी हॉस्पिटल स्कूल में सेवा नहीं, बैंकों से लोन नहीं, रोजगार नहीं, वोट नहीं डालने दो। यह केंद्र सरकार को करना ही होगा। हम करवाएंगे, जैसे डंके की चोट पर राम मंदिर बनाया है, ऐसे जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाकर मुसलमानों की जनसंख्या हम नियंत्रण करवाएंगे ही। और हम मर्यादित बच्चा पैदा करते हैं, वह हमारी कमजोरी नहीं है, हमारे दिल में देश हित है। मैं तो डॉक्टर हूँ, हमारे वीर्य में भी इतने ही लाख शुक्राणु हैं जो दूसरे के वीर्य में होते हैं। कोई बच्चा पैदा करने की क्षमता पर अंधेरे में ना रहे। यार पिछत प्रवीण भाई तुगारिया आन एक प्रसंग उत्थन कर प्रवीण भाई तुगारिया कैसे सरकार भारतक हिंदू राष्ट्र घोषणा कर लगे। ये हिंदू राष्ट्र एने हम जो मुसलमान सांविधानिक पद अर्थात मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री निचिना पदत कसलमान लोके भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो। और प्रवीण तुगड़िया के हिंदू राष्ट्र में मुसलमान किसी संवैधानिक पद पर नहीं होगा, न PM होगा, न CM, न मिनिस्टर, न जज, न DM, न SP। और यदि एक मलेशिया नाम का देश है जो 50 साल पहले बुद्धिस्ट मेजोरिटी था, आज संविधान बदलकर इस्लामिक राज्य बना है, तो प्रवीण तोगड़िया को भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में कोई कठिनाई नहीं आने वाली। मैं इसलिए भारत के 20 करोड़ हिंदू परिवारों में से एक ही वर्ष में 5 करोड़ परिवारों तक पहुँच रहा हूँ, उनके घर में जा रहा हूँ। फिर प्रवीण तोगड़िया हाथ खड़ा करेगा, उस दिशा में देश खड़ा होगा। तृतीय प्रवीण भाई तुगारियार आन एक प्रसंग उत्थन नरेन्द्र मोदी सबका साथ सबका विकासक विश्वास नक कैसे। यार विपरीते प्रवीण भाई तुगारिया कैसे हिंदू का साथ हिंदू का विकास एक विशेष पद्धतिर ऊपर विश्वास कर। हिंदू है वो मेरा है, हिंदू नहीं वो मेरा नहीं है। मैं सबका साथ विकास वाला नहीं हूँ, हिंदुओं का साथ हिंदुओं का विकास। पहले हिंदू जो है वो सब मेरे हैं, मोदी जी भी मेरे हैं, हेमंत शर्मा भी मेरे हैं, और कांग्रेस में जाकर कोई साष्टांग दंडवत करेगा महाकाल महावा भी मेरे हैं। इसका मतलब आप सबका सबका विकास ये आपका मान नहीं रहे? हाँ, सबका साथ सबका विकास बिल्कुल नहीं मानता हूँ, मुझे कोई शर्म भी नहीं है। मैं सबका साथ विकास के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं सिर्फ हिंदुओं का साथ विकास रक्षा के लिए ही पैदा हुआ हूँ। मुझे कोई शर्म नहीं है, संकोच नहीं है। इसलिए मेरे हिंदू राष्ट्र में हिंदू के अलावा कोई PM, CM, मिनिस्टर, DM, कलेक्टर, SP नहीं होगा। वह संविधान में लाऊंगा और उसमें कोई शर्म नहीं आएगी।